हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में बात करा था कोलाउस लॉ, ठीक है। तो कोलाउस लॉ पे थोड़ा सा आज और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलाउस ने देखो बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया। उसने किसके ऊपर किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उसने देखा कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनमें एनायंस सेम होते हैं लेकिन क्या कैटायंस डिफरेंट होते हैं, तो उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उनमें अगर हम डिफरेंस निकालें समय, तो उनमें समय सेम अंतर आता है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनमें क्या होते हैं कैटायंस सेम होते हैं और एनायंस होते हैं उनमें डिफरेंट, तो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में अगर हम उनमें डिफरेंस निकालें तो उनमें भी क्या आता है, डिफरेंस आता है सेम। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर एनायन सेम है कैटायन से डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, 21.1 का डिफरेंस आएगा। और जब कैटायन सेम है एनायन से डिफरेंस होते हैं तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा 18.8। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको और देखते हैं क्या है। तो ये है देखो, यानी डिफरेंस ऑफ difference of limiting molar conductivity for strong electrolyte for strong electrolytes, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है और देखिए अच्छा भी है इंटरेस्टेड भी है। तो देखिए इसमें है क्या, नंबर फर्स्ट एग्जांपल इसमें फर्स्ट जब क्या होते हैं एनायंस होते हैं सेल, एनायंस सेल और एनायंस सेल एंड कैटायंस आर कैटायंस आर डिफरेंट, ठीक है। जब एनायंस सेम होते हैं कैटायंस डिफरेंट होते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 21.1, ठीक। इसको एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे मान लो KF है हमारे पास और दूसरा है NaF, ये वाले दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। देखिए पोटेशियम क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की और वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KF की होती है 111.2 और NaF की होती है सोडियम क्लोराइड की 90.1 होती है, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की वो कितनी आती है 111.2, इसकी कितनी आती है NaF की 90.1। अब उसने कोलाउस लॉ ने बताया इनका डिफरेंस जब भी निकालोगे, लेकिन तब जब एनायन सेम हो, एनायन सेम है देखो यहाँ पे क्या है, के पॉजिटिव कैटायन एफ नेगेटिव एनए पॉजिटिव एफ नेगेटिव, तो देखो कैटायन तो दोनों है डिफरेंट एनायन दोनों है सेम, तो अब इनके बीच में है ना इनमें गैप निकालेंगे वो कितना आएगा 21.1। तो देखो डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, डिफरेंस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, देखो सॉल्व करते हैं इनमें गैप देखते कितना आता है, देखो टू में से वन गया वन, वन में से जीरो गई वन, 11 में से 9 गए 2, देखो 21.1। देखो वही तो गैप बताया था मैंने, 21.1 वही गैप आया। यानी एनायन सेम कैटायन डिफरेंट, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में हमेशा कितने का डिफरेंस आएगा 21.1, है ना इंटरेस्टेड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, देखो सेकंड एग्जांपल है
एग्जांपल नंबर टू। देखिए इसमें क्या, जब क्या होगा वहां पे तो एनायन सेम नहीं आएंगे, कैटायन सेम, कैटायन सेम एंड एनायंस आर डिफरेंट, एनायंस आर डिफरेंट। तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कितने का गैप आएगा, 18.8। ठीक है, यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर उनमें कैटायन है सेम, एनायंस है डिफरेंट, तो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस होगा वो 18.8 होगा सभी में। अब चाहे आप एनायन को देखो, कैटायन को, एनए को ऊपर ले जाओ, के को नीचे ले जाओ, तब भी डिफरेंस 21.1 ही होगा। यानी कैटायन को चेंज करने से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी ये फिक्स है, इतना ही आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। अब देखो इसमें देखते हैं एग्जांपल इसका, जैसे के एफ और फिर एन ए, नहीं के एफ आपके कैटायन सेम करते हैं और के सी एल, तो के पॉजिटिव एफ नेगेटिव, के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव। तो देखो इस बार क्या है, कैटायन है, कैटायन दोनों सेम है, एनायन क्या है डिफरेंट है। तो जब कैटायन सेम होते हैं और एनायन डिफरेंट होते हैं तो इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस होगा 18.8 होगा सभी के लिए। ठीक है, तो केएफ की वैल्यू कितनी होती है, 111.2, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और केसीएल की कितनी होती है, 130.0। दोनों में देखो डिफरेंस निकाले तो ये 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा पॉइंट, इधर बचे 9, 9 में से 1 गए 8, ठीक, इधर बचे 2, 2 में से 1 गए 1। देखो इसमें भी यही रहता है, तो है ना इंटरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो कॉलाउस लॉ ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब भी आप क्या निकालोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस निकालोगे तो आप वहां पे चेक कर लें, देख लें, अगर कैटायन सेम है तो फिर 18.8 का गैप आएगा और अगर एनायन सेम है तो फिर 21.1 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं अगर उनमें एनायन सेम होते हैं और कैटायन उनमें अलग अलग होते हैं तो उनकी दोनों की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में आप अंतर निकालोगे वो सभी में सेम आएगा 21.1। ठीक, और जब कैटायन सेम रहेंगे और एनायंस उनमें डिफरेंट होते हैं तो उनकी दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो आप डिफरेंस निकालोगे वो सब में फिक्स होगा 18.8। तो कॉलाउस लॉ का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, दोनों में बता दें कि हमें इसका मतलब कैटायंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें केवल ये देखना है कैटायंस क्या है, कैटायन सेम है या एनायन सेम है तो उनकी वैल्यू क्या होती है फिक्स। ठीक, ये कॉलाउस लॉ का छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा लगा। तो ये कॉलाउस लॉ को हमने इसमें जाना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर इसको समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच।